हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुड़िया रानी। ये है सुजाता का घर और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। अरे सुजाता, आज तो मेरी प्यारी बहन आने वाली है, मेरी प्यारी रोजी आने वाली है आज। हाँ हाँ, मुझे मालूम है वो आने वाली है रोजी, और रोजी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आएगी हनी। हाँ हाँ, हनी भी तो आ रही है, दोनों आ रही हैं। सारी तैयारियां हो गई हैं, बस अब वो आ जाए जल्दी से। बहुत छोटी थी, हमने जब देखा था उसको बेचारी हॉस्टल में कर दी तुमने छोटी सी। अब देखूंगी इतने दिनों बाद उसे, आज मैं आने दो। अच्छा, रोजी आने वाली है आज। अरे मैं तो बहुत दिनों के बाद मिलूंगी उसे, छोटी सी देखा था मैंने दोस्त को। ये बुई बुई बुई, ये मजा आएगा, बुई आएंगी। ये रोजी बुई आएंगी। इतने में वहां पर गाड़ी की आवाज आती है। अरे लगता है मेरी बहन आ गई है। देखते हैं चलकर। और वहां पर रोजी और उसकी बेस्ट फ्रेंड हनी आ जाती हैं। दोनों पहुंच जाती हैं। भैया भैया भैया, रोजी चलो अंदर चल। और दोनों अंदर जाती हैं। भैया भैया, आप क्या कर रहे हो? है ना, मैंने तो पहले ही कहा था मेरा घर बहुत ही प्यारा है। आओ तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। हेलो, आप सब कैसे हैं? आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भैया और भाभी। हनी देखो, ये मेरे भैया हैं। और हनी तुम्हें पता है, ये मेरी स्वीट सी भाभी। हेलो भैया, नमस्ते भाभी। नमस्ते हनी। आओ आओ बैठो। अरे बेटा रोजी, हनी आओ बैठो, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? आओ। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो चलो बैठते हैं, बाकी मेंबर से तुम्हें मिलाती हूँ अभी। नहीं भाभी, प्रॉब्लम तो नहीं हुई हमको। सिमी भाभी, आप कैसी हैं? आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, मैंने आपको बचपन में देखा था। अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। मैंने भी तुमको छोटा सा छोड़ा था जब, अब काफी बड़ी होके आई हो तो। इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ मैं। आप कैसी हैं रंगोली भाभी, आप ठीक है तो है ना? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम तो हॉस्टल चली गई थी बचपन में ही। और तुम दोनों कैसी हो नटखट? देवी और गौरवी, शैतान, दोनों की दोनों हो तुम। बोलो कैसे हो तुम लोग? बुई हम अच्छे हैं। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हुई है आपके आने की, हम खूब खेलेंगे। हाँ अब हम दोनों खूब खेलेंगे दीदी के साथ, ये। रोजी अब तो तुम घर वापस आ गई हो, पढ़ाई आपकी पूरी हो गई, अब तुम यही रहना है ना, मन लगा रहेगा। और सुना सुना लगता था घर की रौनक जो आ गई है, अब रौनक लौट के आ गई है घर की। थैंक यू भाभी मुझे रौनक भूलने के लिए। रौनक तो तुम वाकई हो इस घर की मेरी प्यारी बहन रोजी, लेकिन तुम ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रह पाओगी। क्या मतलब भैया, मैं यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हूँ, ये क्या बोल रहे हो आप? अरे राजेश जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब तो यही रहेगी, पढ़ाई जो पूरी हो गई इसकी। सुजाता तुम समझती ही नहीं हो, अरे हम हमारी रोजी के हाथ पीले जो करेंगे, फिर यहाँ से चली जाएगी, इसकी विदाई का समय आ गया है। अच्छा अच्छा, आपके बोलने का मतलब ये था, मैं अब समझी, मैंने कुछ और समझा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, शादी तो होगी? नो 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 नो, मैं शादी वाली नहीं करूंगी। भैया मैं अभी तो यहाँ पे आई हूँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं आपके साथ रहूंगी, भैया भाभी के साथ रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, अभी तो मैं हॉस्टल से आई हूँ, प्लीज मुझे शादी वादी नहीं करनी है, प्लीज भैया प्लीज। अरे रोजी तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे मना क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देंगे, इसमें बुरा क्या है आखिर, है ना सुजाता, सही कह रहा हूँ ना मैं?
हाँ हाँ बिल्कुल सच बोल रहे हो आप तो, सच बात है, हर लड़की का ये पहला सपना होता है शादी, तो आप क्यों नहीं करना चाहती रोजी शादी। इधर रोजी की फ्रेंड हनी मन ही मन सोचते हुई, ओह नो ये सब क्या हो रहा है, रोजी के बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं है, रोजी बताएगी या नहीं, उफो खैर देखती हूँ मैं, चुप ही रहना ठीक रहेगा इस वक्त तो। ये भुई की शादी होगी, अब मजा आएगा, लड्डू खाएंगी। अरे वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है, जल्दी से शादी कर दो इसकी। हाँ इसकी जल्दी से शादी कर दो, मेरा जैसा मुन्ना हो जाएगा विक्की जैसा, है ना बेटा रोजी। ओ नो ये सब क्या बातें कर रहे हैं, मैं कैसे बताऊं इन्हें। अरे सिमी बहन चलो घर चलते हैं, शाम हो गई है बहुत ज्यादा, चलो हाँ, इनको हाँ, चलते हैं चलो, मुन्ना रो रहा है मेरा। हाँ हाँ चलो मैं प्राइवेट टाइम दो। आ जाओ घर भी, चलो घर चलो, आ जाओ आ जाओ बेटो विक्की, चलो चलो आ जाओ घर भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में ये जानने के लिए कि आगे की स्टोरी में क्या होता है। बाय बाय।